श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल दिव्य शिव पुराण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही और भी कई उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओम शिव महापुराण चल रही है, जिसमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा कई उपाय हमें बताते हैं। ऐसा ही एक उपाय पंडित जी ने इस कथा में बताया है, जिससे आपकी वह समस्या जो कई दिनों से सुलझ नहीं रही है, उसका निवारण होगा। धन संपदा, लक्ष्मी, वैभव, कोई बड़ी बीमारी, ऐसी इत्यादि समस्याओं के लिए यह उपाय किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यह उपाय करते हैं, पर उसमें बहुत सारे लोग गलतियां भी करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी मनचाही मांगी हुई इच्छा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आप इस उपाय को ध्यान से सुनिए। तो इसकी विधि को आप ध्यान से सुनिए। जब आप लोग शिव जी की पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं, उन्हें एक लोटा जल समर्पित करते हैं और बेलपत्र समर्पित करते हैं, शमी पत्र समर्पित करते हैं, हरी मूंग के दाने समर्पित करते हैं, लाल चंदन समर्पित करते हैं, चावल समर्पित करते हैं, यह सब करने के बाद आप लोग नंदी बाबा के पास आकर बैठते हैं और अपनी मन की इच्छा, समस्या, दिल की बात, अपनी समस्याएं भगवान नंदी बाबा के कानों में आप बोल देते हैं, जिससे आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या भगवान शिव तक पहुंच चुकी है। पर ऐसा नहीं होता। आप लोग सीधे सीधे डायरेक्ट ही नंदी जी के कानों में आकर अपनी समस्या का वर्णन करते हैं और यह सोचते हैं कि आपकी बात शिव जी तक पहुंच जाएगी। यही वजह है कि शायद आपकी बातें, आपकी समस्याएं शिव जी तक नहीं पहुंच पाती। तो अब से आपको यह गलती नहीं करनी है। देखिए, यह उपाय करने के बाद अगर आप नंदी बाबा के कानों में अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, अपनी समस्या प्रकट करेंगे, तो वह शीघ्र से शीघ्र शिव जी तक पहुँचाएंगे और उसका निवारण होगा। जो उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूँ, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, नंदीश्वर जी बहुत अच्छा जरिया है अपनी बातों और समस्याओं को शिव जी तक पहुँचाने का। तो यह उपाय कुछ ऐसा है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, आप मंदिर में जैसे शिव जी की पूजन करते हैं वैसे ही करिए। एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाते हैं बेलपत्र चढ़ाइए, जो जो चीज़ें समर्पित करते हैं, लाल चंदन, हरी मूंग, चावल, जो भी समर्पित करते हैं, वैसे समर्पित करने के बाद आपको करना यह है, आपको कुछ समय के लिए नंदी बाबा के पास आकर बैठना है। बैठने के बाद आपको नंदी बाबा के कानों में डायरेक्ट वह बात नहीं बोलनी है। आपको करना यह है, अपनी कोई भी बात बोलने से पहले, प्रकट करने से पहले, आपको नंदी बाबा के कानों में एक शब्द का उच्चारण करना है। वह शब्द है ओम। आपको ध्यान लगाकर 5 या 7 बार नंदी बाबा के कानों में ओम शब्द का उच्चारण करना है और उसके बाद अपनी समस्या, अपने कष्टों का नंदी बाबा के कानों में उच्चारण करना है, उन्हें बता देना है। अगर आपने ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया तो शायद वह बात शिव जी तक ना पहुँचे, लेकिन अगर आप इसके उच्चारण करने के बाद अपनी कष्टों और समस्याओं को उनके सामने प्रकट करते हैं, तो यह ज़रूर होता है कि यह आपके दुख और कष्ट शिव जी उनका निवारण कर देते हैं शीघ्र से शीघ्र। ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद आपकी इच्छा 100% पूर्ण होगी। और यह करने के बाद आपको करना क्या है, नंदी बाबा के जो दोनों सींग होते हैं उनके बीच में से आपको शिवलिंग के दर्शन ज़रूर करने हैं। आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ का अंगूठा और पहली उंगली को नंदी बाबा जी के सींगों पर रखना है और उन्हीं के बीच में से आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं। इससे होता क्या है कि शिव जी और नंदी बाबा दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंचती है और वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण भी हो जाती है। आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा और आप कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ण भी होती है तो वह भी लिखकर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।